टीम इंडिया के पूर्व मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक मौके पर राहुल द्रविड़ को और उन्हें अपमानित किया था, उनसे गाली गलौज किया था। वो खिलाड़ी कौन है, उसका हम खुलासा आपसे करेंगे। ये घटना उस समय की है जब स्पॉट फिक्सिंग का जिन्न सबके सामने आ गया था। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की घटनाएं सामने आई थीं और उस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे अजीत चंदेला और दूसरे खिलाड़ी थे अंकित चौहान, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 16 मई का वो दिन था, उसके बाद जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले श्री संत को भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि वो अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके आप अपने घर जाइए। और उसके बाद उस घटना से श्री संत इतने आहत हुए थे कि उन्होंने खुलकर सबके बीच में, टीम के खिलाड़ियों के बीच में राहुल द्रविड़ को से गाली गलौज किया था और पैडी अपटन को भी खरी खोटी सुनाई थी, बहुत उल्टा सीधा उन्होंने बोला था। ऐसा पैडी अपटन ने अपनी किताब बारफुट कोच में इस बात का खुलासा किया है। ये राहुल द्रविड़ वही द्रविड़ हैं जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए उनके बारे में कि बहुत ही टीम इंडिया के सम्मानित खिलाड़ी हैं। इन्हें भारतीय टीम की दीवार कहा जाता था जब ये अपने प्लेइंग डेज में खेलते थे और आज भी अगर टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 है और वनडे में नंबर 2 है तो उसमें बहुत बड़ा कारण जो है राहुल द्रविड़ ही हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है इंडिया ए के भी कोच रहे हैं और उसके अलावा अंडर 19 के भी कोच रहे हैं। तो काफ़ी कुछ उनका उनकी भागीदारी रही है खिलाड़ियों को बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में। लेकिन यदि कोई खिलाड़ी इस तरह से अपमानित करता है तो कोच को बोलता है या टीम के कप्तान के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो वास्तव में वो कई सवाल खड़े करता है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब उनसे संपर्क किया गया श्री संत से तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, उन्होंने किसी को कोई अपमानित नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही अपमानजनक है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।